हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? मैं श्वेता स्वागत कर रही हूँ आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। बहुत बहुत स्वागत है। देख सकते हैं सुबह का बज गए कितने पतिदेव, 10:30। और हम लोग अभी जा रहे हैं सुबह सुबह लॉन्ग ड्राइव पे। चल नहीं, लॉन्ग ड्राइव पे नहीं जा रहे हैं, मतलब मार्केट जा रहे हैं। मानवी का कुछ सामान ख़त्म हो गया है, तो सुबह सुबह ही स्टोर जाने में सही रहता है। तो क्या होता है ना, इवनिंग के टाइम एक तो गर्मी तो अभी भी है उस टाइम भी रहता है, और उस टाइम भीड़ ज़्यादा होता है शाम के टाइम। तो छुट्टी के दिन आराम आराम से काम होता है। तो हमारे पतिदेव निकल रहे हैं, क्योंकि आज थोड़ा बाद में मेहंदी लगाए हुए बहुत दिन हो गया है। तो देखते हैं, जल्दी से आ जाएंगे मार्केट से घूम के, तो ये सब भी कर लेंगे। तो यहाँ पर दोनों बहन रहेगी रूम में और हम दोनों मार्केट जाएंगे। तो चलिए गाइस, आप लोग बने रहिए, हम लोग जाते हैं। बच्चे दरवाजा बंद, मानवी दरवाजा बंद करो, पति देव आगे भाग गए हमको छोड़ के। आ जाओ बेटा, देखो अभी इससे कितना तेज धूप है। छांव छोड़ के धूप में गाड़ी लगा दी है, क्या होगा, निकलेंगे तो क्या होगा हमारा। चलो ये मैनेजर सा है, इसके अंदर एसी चला रखा है कि यही ना इसका बेड होता होगा। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग आम का शॉपिंग कर दिए, मैंगो। तो अभी हम लोग रिलायंस स्टोर पहुँच के शॉपिंग करना शुरू कर दिए थे। सबसे पहले लेना था बच्चे का कॉलगेट, क्योंकि बच्चे की फरमाइश के लिए हमें सुबह सुबह भी निकल के मार्केट जाना पड़ रहा था। और आज था सैटरडे, पतिदेव का था छुट्टी, तो मैं सोची चलो चल के ले आते, क्योंकि संडे को और ज़्यादा भीड़ होती है और इवनिंग टाइम को भी भीड़ होती है। और हमारे तो बगल में ही जस्ट 2 मिनट के रास्ते पे, फिर भी मैं नहीं आती हूँ। और पतिदेव को तो मॉल पहुँचते भी वहाँ पे उनका कॉल आ गया, वो पूरा बात में लगे पड़े। मुझे जो लगा मैं अपना सामान लेते गई। और ज़्यादातर क्योंकि बच्चे की फरमाइश के लिए आई थी, तो ज़्यादातर बच्चों का ही जो जो चीज़ें था वो सब लेके मैं यहाँ से देख रही थी क्या क्या है। तो यहाँ कुछ इस तरह से सबकी प्राइस चिपकाए हुए रहता है, वो तो आप लोगों को पता ही है। तो बस फटाफट लेके और बिलिंग काउंटर की तरफ हम लोग बढ़ रहे थे, क्योंकि बाहर गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना, और बच्चे को छोड़ के भी आए सुबह की टाइम, तो इसलिए ज़्यादा जल्दी जल्दी हम लोग यहाँ से करके बस निकल रहे हैं। बाहर की हसीन मौसम, अरे यहाँ ठीक सामने हमारी मोहल्ला, बाहर की हसीन मौसम में आपका स्वागत है पतिदेव। इतना तेज धूप निकला, एड़े आती देखना झूला बिक रहा है। चाने आते दोनों झोला ढूंढना शुरू कर दी, दोनों मिलके ढूंढो, इतना अच्छा लग रहा है, दोनों बहन ढूंढ मार रही है। मार्केट से आने के बाद थोड़ा एसी चला के ठंडा लिया, अब सही लग रहा है। यहाँ पर देखो दोनों पापा के पैर पर बैठ के झूला झूल रहे, ये क्या करवा रहे हैं पतिदेव, ऑटो खेल रहे हैं सब। और गर्मी इतनी है जो ना कपड़ा कुछ मतलब पहन के हेवी वाला बाहर जाने का इच्छा ही नहीं कर रहा। तो चलो हम भी थोड़ा सा जो काम वगैरह है फिनिश करते हैं। चलो एक पर एक यार, देख लो क्या चल रहा है, क्या करवा रहे हैं जी। चलो जाते हैं, हम भी खाना पीना बनाते हैं, क्योंकि बाहर इतना तेज धूप है। अभी बज गया है 12:45 हो गया है। आप लोग बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलते हैं आप लोगों से नहा धुला के प्यारा सा लंच के साथ। देखो इस बेवकूफ बच्चा को क्या कर रहे हैं आम के साथ। आम खाने का मन कर रहा है, देख ली तो इसकी खाए। हाँ। अभी कौन खाया था? अभी कोई नहीं खाया, एक ही पीस खाई। तो 2 पीस और खाइए ना, 4 पीस खाइए ना। तो गाइस हम भी नहा लिए, सब नहा के देख रहे हैं टी मोबाइल, और मैं जा रही हूँ किचन में दिन भर कर ड्यूटी। बापरे हमारा तेल में से धुआं मार रहा है। ससुरा में ले जब से घट गई ब्यूटी, ये गाना कौन कौन सुना है, इसे कहना है भोजपुरी। तो जो भोजपुरी लोग होंगे उनको तो जरूर पता होगा, बाकी जो भोजपुरी गाना नहीं सुनते उन्हें पता नहीं है। हमारा पतिदेव का फेवरेट पाम पड़ो है उनका, इसके बिना वो चावल खाते नहीं है, पाम पड़ो उनका। पता नहीं पापड़ तिलौड़ी ये सब उनको अड़काट बकट बहुत पसंद है।
भले ही चावल दाल में चोखा क्यों ना हो, भुजिया क्यों ना हो, लेकिन पापड़ तिलौरी चाहिए। देखो इतना छोटा है ना, अब इसको तलूंगी तो ये कितना बड़ा होगा, एकदम पतला पेपर जैसा हो जाता है। देखो कितना बड़ा हो गया, एकदम बढ़िया लगता है। कूड़ कूड़ तभी दो कड़के बज रहे हैं, शायद एक या डेढ़ बज रहे हैं, बहुत गर्मी लग रहा है किचन में। तो चलो फटाफट खाना लगा देती हूँ सबके लिए। खाना लग चुका है लेकिन सब लोग अपना अपना मोबाइल देखने में लगे पड़े हैं। और इधर गाइस देखो हमारी मटके वाली दही की प्यारी सी जमी है। और किसकी किसकी बीवी घर से इतना दूर जाके खटाल से दूध लाके और मटका में दही जमाती है बताना आप लोग। तो सब लेडीज देखती है, कोई नहीं बताएगी। देखो कितना मस्त दही जमाया। गांव में तो ये चीज़ मिल जाता है, शहरों में तो है नहीं मिलता है। मिलता है क्या? देखिए तो कितना मस्त दही बनाए हैं आपके लिए, कितना प्यार करते हैं प्यार। देखो कितना मस्त दही बनाया भाई, टेस्टी टेस्टी। अच्छा मानवी अरे देव कमान। अभी शाम का बज गया है 5:05 प्लस ही हो गया, 5:15 देख सकते हैं। और बाहर कितना तेज धूप है, जबरदस्त वाली धूप है, ये काफ़ी तेज लग रही है। और मुझे बाल में मेहंदी लगाना पत्ते वाली थोड़ी सी, क्योंकि हमारी बाल में थोड़ी सी मैं शुरू में रंग बिरंग का कलर लगा दी थी। हमारे पतिदेव तो हमारे बाल को अजीब बना दिए थे। मैं यहाँ पर एक फ़ोटो डालूंगी मेरी पहले बाल कैसी थी, उस केमिकल वेमिकल की वजह से ना हमारी बाल कुछ सफ़ेद होने लगे। तो अब तो मैं नेचुरल पत्ते वाली ही मेहंदी लगाती हूँ, अब वो सब बंद कर दी। तो चलिए अभी जाती हूँ, आज सैटरडे था, पतिदेव भी ड्यूटी नहीं गए हैं, तो चलते हैं मेहंदी पीसेंगे। और थोड़ा सा भी शाम के टाइम में मैं लगाऊंगी। तो पतिदेव जी यहाँ पर कर रहे हैं पढ़ाई। क्या मैनेजर साहब क्या कर रहे हैं? कुछ हमारे मैनेजर साहब जोर से बोलते ही नहीं, हम क्या करें, क्यों नहीं बोलते। अपने मैनेजर साहब को इतना महंगा तेल ला के दिए, अभी तक तो कुछ असर नहीं दिखा है, अब देखते हैं असर दिखता है कि नहीं दिखता है। पीछे मेहंदी कहीं नाश्ता दे दे पहले। गर्मी बाप रे कितना धूप है अभी भी, ऊपर लगता है एकदम से। तो चलो पहले मैं अपने लिए मेहंदी पीस के कुछ बनाती हूँ। मम्मी आप क्या कर रही हो? पत्ता वाला मेहंदी मैंने बेटा इसको छुड़ा रहे हैं। छुड़ा रही हूँ तो तुम्हारा हाथ जल्दी बात जल्दी जल्दी तोड़े थे ना, तो कुछ ऐसे लगा रह गया ये, तो ये मिक्सी में पीसेंगे तो ऐसे ऐसे दिखेगा, इसीलिए इसको साफ कर दे रहे हैं। ठीक है, आप नहीं हेल्प करिए, आप मेरी बउआ है ना, मेरी क्यूटी पाई है, हमारी स्वानी प्यारी बेटी है। सानवी जो है हमारी बहुत प्यारी बेटी है। अच्छा हम तो तुम्हारी बहुत प्यारी बेटी है। हाँ, और ये बेटी हमारी ब्लॉग बनाने में हमारा हेल्प भी कर देती है, और दूसरे फ़ोन से खुद भी ब्लॉग बना लेती है मेरी सरवन। और हम जब भी वीडियो बनाते रहते हैं तो अपना कैमरा चालू करके आती है सानवी मेरे पास। देखो कितने ताजे ताजे हैं, मम्मा क्यों लगाती है? इसे बाल हमारा रेड रेड होता है, सुंदर दिखता है इसीलिए। तो देखो गाइस मेरी मेहंदी कैसी लग रही है। अरे वो परेशान भी तो फिर से मेहंदी लगाई। अच्छा इस दिन आंटी से लगवाए थे वो वाली है ना, कितना खूबसूरत लग रहा है। इतने ताजी ताजी ये पेड़ की ताजी ताजी मेहंदी है। तो गाइस शाम हो चुका है, मैं अपने बाल में मेहंदी लगाई हूँ, बस थोड़ी सी मैं इतना ही लगाती हूँ। देखो पूरा नीचे खाली, बस इतना ही दूर मुझे जरूरी पड़ता है। और अभी मैं किचन में इधर ब्राउन ब्रेड को गर्म कर रही हूँ, मैं ब्राउन ब्रेड सेक दे रही हूँ थोड़ा सेक के, और पीनट बटर लगा दे रही हूँ, पतिदेव बच्चे सब अपना खा लेंगे। मुझे तो ये ब्राउन ब्रेड बिल्कुल पसंद नहीं है, पीनट बटर और ब्राउन ब्रेड। तो बाल में मेहंदी लगा के मैं आ गई थी छत में इधर थोड़ा सा टहलने, क्योंकि शाम का टाइम था, हवा वगैरह भी चल रहा था। अभी शाम का वही 6:30 बज रहा था, और यहाँ सामने में कोचिंग होती है, बच्चे सब आना शुरू हो जाते हैं, और यहाँ मानवी भी इधर खड़ी है मेरे साथ। तो चलो मैं थोड़ा सा छत में चेयर लेके बैठती हूँ। पुष्पा रानी दीप दिखाने, अरे लुग्गा पट्टा भी है भीग जाता समझी ना, इतना तेज बारिश आया है। वो जिनको पट्टा पहन के गई थी कि पट्टो ना साड़ी से साड़ी रे कौन कहू छो से साड़ी रे कौन कहू छो तुम्हें स्टोन साड़ी। अच्छा अच्छा सही टाइप पहन के धो इसको भी। अरे वो कॉटन वाला धोई पानी भी रंग भी गिरा रंगोगा, लेकिन तो जो गोल्डन हाँ वो नहीं जाएगा, वो ब्लू कलर चला जाएगा। तो गाइस
देख सकते हो, 4 रोटी 8 रोटी बनाने में हालत कुछ ऐसी हो रखी है, लग रहा है जैसे कि हम नहा लिए हैं। गंगाधार बह रही है, गंगाधार पति देव को दिखाती हूँ। क्या तू बेटा जानो जानो, देखी ना कितना पसीना चल रहा है, नहा ले क्या? हाँ छोटा वाला फैन है, फैन क्या ले जाए, कूलर ले किचन में कूलर लगा दो। वाह रे शांति, वाह तो हमारी शांति बोल रही है किचन में कूलर लगा लो। चलो गाइस अब हम मेहंदी वगैरह झाड़ेंगे अपना, और इच्छा करेगा तो थोड़ा नहा भी लेंगे, क्योंकि नहाते नहीं है ना। पिछले बार मैं रात को नहा लेती, ठंडा पानी पीती और रात को एसी में सोती, मेरा पूरा आवाज बैठा रहता था, इस वजह से इस बार मैं नहीं नहा रही हूँ, नहीं तो तबीयत ही खराब हो जाए। दिन भर इतनी गर्मी, रात भर पूरा ठंड में रहेंगे तो फिर तबीयत खराब हो जाएगी। तो देखती हूँ मेहंदी झाड़ूंगी तो पूरा लग ही जाएगा, तो फिर सोचूंगी थोड़ा सा नहा लेती हूँ। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर फिलहाल कर दे रहे हैं एंड, फिर मिलेंगे आप लोगों से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, गुड नाइट।